झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। चंपई सोरेन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूं, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने के लिए निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। हमने पहले जब आए थे 18 तारीख को हमने अपना पोस्ट हम दे दिया था। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है बोल नहीं पाते हैं, इसलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला उसका मांग तब हम बोले सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का उनका विश्वास उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। वह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवण कस्बे में सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो कल गिर गई थी उसे आज सुबह ढक दिया गया। वहीं भाजपा नेता नीलेश एन राणे घटनास्थल पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। नीलेश एन राणे ने कहा कि जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम मांग करते हैं कि जो भी दोषी है चाहे वह ठेकेदार हो या अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति को फिर से स्थापित करने के लिए जो भी करना होगा किया जाएगा। उन्होंने इस बात का आश्वासन देते हुए कहा कि मैं महाराष्ट्र के लोगों को धैर्य रखने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। शांति और संयम बनाए रखना उनकी सराहना है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इस पर राजनीति की है। बिहार के गोपालगंज में श्राद्ध क्रम के दौरान नहाने गए चार युवक गंडक नदी में डूबकर लापता हो गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता युवकों की तलाश में जुट गई है। घटना बैकुंठपुर थाना के मुंजा बोल्डर के पास की है। लापता सभी युवक एक ही परिवार के रहने वाले हैं। गंडक नदी में नहाने के दौरान मुंजा गांव में एक नीलेश राय शिक्षक थे, उनकी मां का कुछ दिन पूर्व देहांत हुआ था, उसी का आज दस्तकर्म था। उसी दस्तकर्म में मुंडन के बाद ये बच्चे नहाने गए थे और नहाने के क्रम में एक का पैर फिसल गया और एक दूसरे के बच्चे को बचाने के चक्कर में ये चारों लोग डूब गए। चारों लोग डूब गए हैं, अभी तक उनकी डेड बॉडी मिली नहीं है और एसडीआरएफ की टीम लगातार खोजने का प्रयास कर रही है और अभी भी आप लोग जान रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम वहाँ लगी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर क्या व्यवस्था किया गया? प्रशासनिक स्तर पर तो हम लोग की एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर ऑलरेडी तैनात किया ही गया है कि किसी भी तरह की घटना अगर घटित होती है तो एसडीआरएफ की टीम त्वरित कार्रवाई करती है और उसकी तत्काल कार्रवाई कर रही है। और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो बिहार सरकार द्वारा जो दे आपदा की राशि है 4 लाख रुपये वो दी जाएगी। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी पर इंग्लैंड से पहुंची महिला श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान भक्ति में के उमंग में डूबी नजर आईं। इंग्लैंड से पहुंची इन महिला श्रद्धालुओं में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खूब उत्साह दिखा। सड़कों पर ये लोग झांकियों में आकर्षण का केंद्र बने रहे। मोतिहारी पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में नकली पेट्रोल बरामद किया गया है।
घोड़ासहन थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक बगीचे में यह जाली काम चल रहा है। पुलिस की छापेमारी हुई तो 10 ड्राम में रखे करीब 1000 लीटर नकली पेट्रोल बरामद किया गया। पुलिस को देखते ही कारोबारी फरार हो गए। थानाध्यक्ष ने बताया कि इनमें 4 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बता दें कि घोड़ासहन थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित बगीचा में यह कारोबार चल रहा था। यह काफ़ी घना बगीचा है और यहाँ नकली पेट्रोल बनाने का काम चल रहा था। यहाँ से नकली पेट्रोल की सप्लाई कई ग्रामीण दुकानदारों के पास की जाती थी। थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि इस बरामद नकली पेट्रोल को सुगौली स्थित इंडियन ऑयल के कार्यालय में भेजा जा रहा है। यहाँ इसका सत्यापन कराया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी की जा रही है। मोतिहारी के घोड़ासहन में पुलिस ने निमुइया नहर के पास बोड़े में एक 18 वर्षीय युवक के शव को बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेजा है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि शव की पहचान निमुइया गांव के पंच रामजी शाह के 18 वर्षीय पुत्र विकास गुप्ता उर्फ विकी के रूप में की गई है। युवक इंटर का छात्र था। इसके शव को बोड़े में नहर के पास फेंका गया था। सूचना पर पुलिस पहुंचकर शव को पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना को अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की रात में अंजाम दिया है। घटना के बाद ग्रामीण हतप्रभ है और तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज दिनांक 27/8/2024 को घोड़ासहन थाना अंतर्गत ललुआ गांव के पास एक शव के बरामद होने की सूचना मिली थी। शव की पहचान घोड़ासहन थाना के ही निमोइया गांव के विकास कुमार उर्फ विक्की के रूप में की गई है। पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 27/8/2024 को घोड़ासहन थाना अंतर्गत ललुआ गांव के पास एक मध्य प्रदेश के पन्ना को बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी का त्यौहार वृंदावन की तर्ज पर मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी पर रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त भगवान के बाल स्वरूप दर्शन के लिए उतावले देखे गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी। आधी रात को हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की जयकारों से पूरा प्रांगण गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण, पहले तो सभी लोगों पन्ना नगर वासियों को बहुत बहुत प्रणाम। ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है जो कि महाराज हिंदुपत सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद ये सबसे विशाल बात इसकी ये है कि जो अपने लल्ला जी हैं उनको ओरछा से लाया गया था वृंदावन होते हुए, और उसी आधार पर जैसे महाराज हिंदुपत आते गए उसके बाद और भी महाराज आते गए, वही परंपरा का निर्वहन करने हम आते हैं। इस बार निर्वहन करने में आपको कोई खास व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई? बिल्कुल, प्रशासन से तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। इस बारी व्यवस्था सब कुछ कलेक्टर साहब को भी हम धन्यवाद कहते हैं, एसपी साहब को भी, और माननीय अपने सारे पुलिस जो भी हमारे साथ लगी रही उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपको राजमहल से लेकर आए और राजमहल तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें तो इसी बात से खुशी है कि बिहार की राजधानी पटना में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। शराब के नशे में धुत रईस जादे ने सफारी गाड़ी से कई लोगों को कुचलने की कोशिश की। कुम्हरार से राजेंद्र नगर टर्मिनल की ओर जा रहे सफारी गाड़ी ने भूतनाथ रोड के पास कई लोगों को टक्कर मारी और अनियंत्रित सफारी गाड़ी बहादुरपुर पुल पर टकरा गई, लेकिन युवक रेलिंग को तोड़ने के बाद मौके से फरार हो गया। गाड़ी के अंदर सीट पर से ऑपरेशन के दौरान उपयोग किए जाने वाले कपड़े मिले हैं, जिससे डॉक्टर की गाड़ी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं। पूरे देश के साथ साथ
रायबरेली में भी जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। रायबरेली जनपद के सभी थानों, पुलिस लाइन और प्रमुख स्थानों के साथ साथ जिला कारागार में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जिला कारागार प्रशासन ने बंदियों की मदद से पूरे जेल परिसर को रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजाया। जेल के अंदर सभी बंदियों के द्वारा जिला कारागार में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके आखिरी क्षण तक की सभी 16 कलाओं का मनमोहक चित्रण किया गया। जेल के अंदर सभी बंदी श्री कृष्ण भगवान के भजनों पर नाचते गाते हुए नजर आए। श्री कृष्ण जन्म के बाद जेल प्रशासन की तरफ से सभी बंदियों को प्रसाद वितरण किया गया। जेलर साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, और जितने भी बंदी हैं वो भी खुश हैं यहाँ पर, और अपने गाने का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही अच्छी सजावट की गई है, पूरा कृष्ण के जन्म को किस तरह दिखाया गया आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा जेल का माहौल भक्तिमय है और सभी जितने भी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, आप देख ही रहे हैं कि कारागार को हमने बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया है। कारागार के अंदर भी और बाहर भी पूरी व्यवस्था की गई है कि पूरे जो त्यौहार है उसको एक अच्छे ढंग से मनाया जाए। उमरिया जिले से मानवीयता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई। दरअसल सुबह तकरीबन 6 बजे रहठा के रहने वाले केसलाल अपने 7 साल के मासूम बेटे रविंद्र प्रकाश को उल्टी होने की वजह से इलाज के लिए पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुँचे थे, जहाँ 4 से 5 घंटे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराकर डॉक्टरों को बुलाने की मांग मौजूदा स्टाफ से करते रहे, लेकिन ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं आए, लिहाजा इलाज और डॉक्टर के अभाव में 7 साल के मासूम ने दम तोड़ दिया। जी, अभी 10:45 पे एक बच्चा आया था, तो उसका पहले से खून की कमी के कारण मौत हुई है। सीवियर एनीमिक बच्चा था, हमने यहाँ जब आया था तब से ब्रॉड डेड था वो, हमारे अस्पताल में मृत आया था बच्चा, ब्रॉड डेड था। हमने CPR दिया है उनको, बाकी उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, हमने सर्टिफाई करके भेज दिया। बाकी परिजनों को बता दिया हमने कि पहले से खून की कमी थी, खून की कमी के कारण बच्चे की मौत हुई। परिजनों का ये कहना था कि चिकित्सकों की लापरवाही थी, क्योंकि वो यहाँ ला करके भर्ती किए थे, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक उपचार नहीं मिला, इसलिए उसकी मौत। नहीं, परिजनों को कहना है, 10:45 पे आ गए थे, 10:45 पे हमने ऑन रिकॉर्ड टाइम मेंशन कर रखा है, तुरंत आते ही जब बच्चा आया था तभी ब्रॉड डेड था, सीवियर एनेमिक था, तो उनकी कमी के कारण से डेथ हुई है। क्या माना जाए, उपचार के पहले मौत हुई थी या उपचार के बाद, या परिजन गलत आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बच्चा आया था तभी ब्रॉड डेड था, हॉस्पिटल में आए थे तभी ब्रॉड डेड था बच्चा। बाकी ऑन कॉल मैं हूँ, आज सर की ड्यूटी है, जैन साहब की ड्यूटी है, जैन साहब की एब्सेंस में मैं संभालता हूँ, मैं तुरंत जैसे ही कॉल आया ऑन कॉल पे हूँ, सिस्टर का जैसे ही कॉल आया मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। परिजनों का ये कहना है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चिकित्सक नहीं आया, इससे मौत हुई, उपचार नहीं मिला, उनका कहना है। परिजनों का आरोप गलत है ये, मैं तुरंत मैं हॉस्पिटल में हूँ, 10:45 पे आ गया था मैं, जैसा कि आप तुरंत पहुंच गया था, CPR दिया उसको, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा बच्चा, हमने सर्टिफाई कर दिया बच्चे। जी, अभी 10:45 उधर रायबरेली में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे दलित समाज के लोगों पर दबंगों का कहर टूटा। दबंगों ने कई दलित युवकों की जमकर पिटाई करने के बाद हाथों में फरसा लेकर दौड़ाया, जिसके बाद उन्हें भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के काजी खेड़ा गाँव का है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गाँव में स्थित एक मंदिर में मटकी फोड़ने का कार्यक्रम के साथ साथ नाच गाने का भी कार्यक्रम चल रहा था। तभी गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलित युवकों के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद भी जब दबंगों का मन नहीं भरा तो उन्होंने हाथ में फरसा लेकर जान से मारने की धमकी देते हुए लोगों को दौड़ा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। घटना से पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। वहीं मारपीट में घायल शुभम ने कई लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है।
रायबरेली में भट्टा मालिक के द्वारा मिट्टी निकालने के लिए खोदे गए 20 फीट गहरे पानी में भरे गड्ढे में डूबने से दो नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का है, जहां दो नाबालिग बच्चे सुबह 10 बजे साइकिल से घर से निकले थे। जब शाम तक दोनों बच्चे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। काफ़ी देर तलाश करने के बाद बच्चों की साइकिल पानी से भरे एक गड्ढे के किनारे खड़ी थी, जिससे उनके कपड़े टंगे हुए थे। इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने पानी से भरे गड्ढे में दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना से दोनों परिवारों के साथ साथ पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि भट्टा मालिक अजय जायसवाल ने मिट्टी निकलवाने के लिए 20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया था, जिसमें बरसात का पानी भर गया था। दोनों बच्चे नहाते समय गड्ढे की गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा पाए और गहरे पानी में जाने से दोनों बच्चे डूब गए, जिससे दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हमको 3 बजे जानकारी मिली कि बच्चा घर में 10 बजे से बाहर है। क्या नाम है? आर्यन निषाद बच्चे का नाम है। आपका नाम? अवधेश कुमार निषाद। बताएं। 10 बजे बच्चा घर से बाहर जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व सर रहा है, तो हमने कहा कहीं क्षेत्रीय अपना कहीं लोकल में ही होगा, लेकिन जब हमें ड्यूटी से आया 3 बजे तब जानकारी घर में पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो पता लगा 10 बजे निकला, अभी तक नहीं आया। उसके बाद सारे उनके मित्र सहपाठी जितने थे क्षेत्र में खेलने जानने वाले सारी जगह पता किया गया, कहीं सब जगह यही हुआ कि बच्चा आपका हमसे नहीं मिला। 7 बजे और अवधेशाचार्य जी लाऊखेड़ा के, उनको किसी ने सूचना दिया कि दो बच्चे यहाँ से गए हैं इस रूट पे। तब उन आज शाम को जब घर आए तो पता चला कि कृष्णा और आर्यन ये तालाब में डूब के मर गए। अच्छा। और इनकी बॉडी बरामद हुई है तो पीएम के लिए भेजा गया। कब घर से निकले थे? अब ये तो हमको नहीं पता, जानकारी नहीं है। बाहर रहते हैं। सुबह से गैप थे? हाँ, सुबह पता लगा, सुबह से गैप थे और शाम को जानकारी हुई। हाँ, कितने टाइम पता लगा? अब ये पता 7-7:30 बजे क्लब लगा हुआ। तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई? हाँ, तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। बच्चों के नाम क्या क्या थे? जो बड़ा बच्चा था उसका नाम कृष्णा था। कितनी उम्र थी? लगभग 18। और दूसरा बच्चा? दूसरा आर्यन, उसकी 13 साल। आज शाम को जब घर आए तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी सलमान को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस टीम पर फायर कर भाग रहा था। आरोपी सलमान को महाराजगंज थाना के एमी आलापुर रोड पर तारापुर गाँव के पास मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सलमान ने 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के सचिव अवरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने जमकर मारपीट की। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने जमकर टांडव मचाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र की सरावा का है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।